कैसे हैं फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक फ्री अल्टरनेट के बारे में बताऊंगा, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। क्योंकि ये एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसे कमर्शियली भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं तो आपको पता ही है कि ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, आपको इसे क्रैक करके यूज़ करना होता है या फिर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। और क्रैक सॉफ्टवेयर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें स्पाईवेयर्स भी आपके सिस्टम में आ सकते हैं या फिर कोई ट्रोजन भी आपके सिस्टम में आ सकता है। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप कोई क्रैक वाले सॉफ्टवेयर ना यूज़ करें। इस सॉफ्टवेयर का नाम है फ्री ऑफिस। आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है फ्री ऑफिस और यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, जो कि है freeoffice.com। आप इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाता है, आप इस पे से एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर मैक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी फ्री में अवेलेबल है। ये एक सिर्फ 110 MB का सॉफ्टवेयर है। ये आपको वो सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अवेलेबल हैं। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ऐसे 3 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, या फिर अगर आप इसे स्टार्ट मेन्यू में सर्च करते हैं तो सॉफ्ट मेकर में ये सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा सॉफ्ट मेकर का फोल्डर और इसके अंदर ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि है टेक्स्ट मेकर, प्लान मेकर और प्रेजेंटेशन। तो ये जो टेक्स्ट मेकर है ये है हमारा वर्ड, और प्लान मेकर है एक्सेल, और प्रेजेंटेशन तो है प्रेजेंटेशन। तो आप ये तीनों सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। टेक्स्ट मेकर को ओपन करेंगे, जो है हमारा ऑफिस। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसका इंटरफेस बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के जैसा है। आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, जैसे कि आप यहाँ से मार्जिन को डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेआउट में पेज ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, साथ में पेज साइज भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलती हैं। तो आप इसका फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और प्रेजेंटेशन का इंटरफेस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा प्रेजेंटेशन। इसको भी आप वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप प्रेजेंटेशन वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंटेशन में अवेलेबल होती हैं। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और फाइनली हम चेक करेंगे एक्सेल को, जो कि है प्लान मेकर। मैंने और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ट्राई किए हैं जैसे कि लिब्रे ऑफिस, लेकिन वहाँ पर जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको फ्री ऑफिस ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंटरफेस दिए जाते हैं ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा ही है। आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेव करने के समय आप डायरेक्टली यहाँ पर PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस फाइल को, और साथ ही में यहाँ पर प्रिफ्रेंसेस में इसके क्वालिटी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस फाइल को सेव एज करते हैं तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट दिए जाते हैं जिसमें कि आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारे फॉर्मेट सपोर्टेड हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलते हैं, तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही यूज़ करते हैं, चाहे वो क्रैक करके ही क्यों ना यूज़ करें। तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि है डॉक एक्स वाला फॉर्मेट, क्योंकि यही फॉर्मेट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इसको ऐसे सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक बेस्ट अल्टरनेट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और PC रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।